फारिस घर आ गया? पता नहीं चाची, मैं तो सारा दिन किचन में थी, अभी अभी आकर बैठी हूँ। हैरत है भाई तुम पर, फारिस अभी तक घर नहीं आया। ना तुम्हें कोई फिक्र है ना कोई परेशानी। अरे उसको फोन करके तो पता कर सकती थी ना। चाची वो मेरा शौहर नहीं है। अरे जब निकाह के दो बोल पड़े जाते हैं ना तो औरत के दिल में खुद बखुद मोहब्बत और जज्बा पैदा हो जाता है। लेकिन मैं देख रही हूँ तुम्हारा तो ध्यान कहीं और है। अरे हर वक्त तुम्हारे पास फोन होता है, मेरे बच्चे को कॉल नहीं कर सकती हो तुम? अरे अम्मी, अभी फारिस भाई तो पहुंचे नहीं अभी तक, कहाँ रह गए हैं? कितना बदनसीब है मेरा बच्चा, ऐसी लड़की उसकी जिंदगी में आ रही है जिसको मेरे बेटे से कोई लगाव ही नहीं है। चाची ऐसी बात नहीं है। अरे मत कहो मुझे चाची, मुझे तो ऐसे लग रहा कि तुम्हारा फारिस से रिश्ता करवाकर हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। चाची आप क्या कह रही हैं? देखो निमरा, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और ना ही मैं कोई अकल की पैदल औरत हूँ। सब कुछ देख भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ, लेकिन मैं खामोश हूँ। अगर तुम वक्त पे हमें सब कुछ बता देती तो आज तुम तीनों पे जुल्म ना होता। लेकिन देखो अब जो होना था वो हो गया, अब तुम्हें फारिस को कबूल करना होगा। अम्मी क्या मतलब है आपका? क्या कह रही हैं आप? मुझे तो समझ नहीं आ रही आप लोग क्या बात कर रहे हैं, कुछ तो बताएं। अरे मुझसे क्या पूछती हो, निमरा से ही पूछ लो ना। निमरा बताओ ना क्या हुआ है, अम्मी क्या बात कर रही हैं? निमरा ये तो चली गई। देखा, ऐसे इसको काबू करना है मैंने। अब चल फारिस को फोन कर, उसे कह घर आए जल्दी से, मुझे जरूरी बात करनी है उससे। मैं बुलाती हूँ।